देखा माँ, देखा आपने, हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ। क्या हुआ? क्या हुआ, जैसे आप कुछ जानती नहीं है। बाबूजी हर बार ऐसा करते हैं मेरे साथ। अरे क्या जरूरत थी केशव को यहाँ बुलाने की, जबकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं नहीं चाहता कि उस घर से हमारा कोई संबंध हो। पर उन्हें तो मुझे नीचा दिखाना है ना, इससे तो अच्छा था मैं चंडीगढ़ में था। पर यहाँ खींच रहा है मुझे, बस उनके पीछे पीछे चलते रहो, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो। आज तक उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी, ना ही बिजनेस में और ना ही घर में। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि मेरे साथ ऐसा करते क्यों है। कभी कभी तो मुझे ये भी शक होता है कि मैं आपका बेटा हूं या किसी और का। सच कह रहा हूं मैं, मेरा दिल टूट चुका है अंदर से। क्यों करते हैं आप लोग मेरे साथ ऐसा?